बड़ी ब्लॉग बनाते साक्षी की मम्मी गल कर लो मम्मी मेनू गल कर लो साक्षी की कोई चीज गुम हो गई है साक्षी बहुत परेशान है इस वक्त साक्षी रो रही है ते उधर मैं गया कि राती दवांगी सरप्राइज ओदा बंदा है पागल हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? अभी क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे टीटू भाई जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे एक बात बताई है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ब्लॉग शुरू होगा। असली मुझे कहते मैं ना जब अपने घर के बाहर जो क्या बोलते उसको यार पंजाबी च वेड़ा कहते हिंदी से की कहते हैं चलो जो भी कहते हैं, कहते मैं आपके वहाँ ना थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था, मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर ना मुझे कुछ मिला है, तो वो गोल्ड का है शायद, आपकी मम्मा का है। कहा आपने उनको नहीं बताना कि आपको मिला है, क्योंकि मम्मा वही रख के भूल जाते हैं, घड़ी रख के भूल जाते हैं। सॉरी मम्मा, मुझे पता आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो, देख के गुस्सा आ रहा हो, बोल रहे होंगे मैं नहीं भूलती, ये तेरा ही है काम, तू भूलता है मैं नहीं भूलती, और मेरी उम्र हो गई है तो इस उम्र में भूल भी जाती है तो कोई बात नहीं है। तो ये टॉपिक हम चेंज करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मम्मा को मैंने टीटू भाई जी को मैंने बोला है, टीटू भाई जी आपने मम्मा को नहीं बताना, थोड़ी देर उनको परेशान करेंगे। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है नीचे, और एक्टिंग ऐसे करूँगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। A few moments later. मनी, आप सो के उठे हो, आपको पता भी नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो? इधर आओ। सामने खड़ा फिर से? नहीं, मम्मी का इयररिंग गुम हो गया। हेलो, अब हम कैमरे में ढूंढ रहे हैं। जब छोड़ने गए थे ना पापा को, उसके बाद चेक किए थे गोल्ड का। इतने पैसे कहाँ से आ गए? ऐसा हुआ जैसे नीचे वाला और कुछ है। हाँ, महंगा सी यार। तो अभी मिल नहीं रहा, हम कैमरे में देख रहे हैं काफी टाइम से। अब एक फुटेज रह गई है कि मम्मा के कान में कहाँ पे है, हम फिर वहाँ ढूंढेंगे ना। नहीं, फिर भी मान लो यहाँ पे ग्रेनेड आ गया तो यहाँ ऐसे उठा लोगे? नहीं, पापा ऐसे पापा वीडियो बना रहे थे ना उस टाइम है, तो तुम्हें तो कितना नहीं रहेगा। मैं बताती हूँ आपको, आप कैमरा पकड़ो, मैं बताती हूँ इसको, मेरे लिए मेरी वीडियो बनाओ ना। तो हेलो, वेलकम बैक। तो अभी अमृतसर आके ब्लॉग बहुत कम बना रहे हैं क्योंकि पिछले ब्लॉग खत्म नहीं हो रहे थे, तो अभी पहले कोई लगता कोई दिन आ गया यार जो गिरा होगा। मम्मा इसको पकड़ो यार, मैं देख के आता हूँ। तो अभी बाहर हमने देखा कैमरे में कि कोई आ गया है, तो सुबह भी आए थे ये, तब हम लोग बाहर थे तो टीटू भाई ने बोला था शाम को आ जाना, तो अभी वो फिर से आए हैं। मैंने जाने लगे, देख लो पहले यार, ये देख लिया। तो ये सुबह भी आए थे, तो सुबह टीटू भाई के साथ फोटो करवा के चले गए थे कि आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। तो अभी वो मनी को स्पेशल मिलने आए हैं दोबारा से, क्योंकि इनको पता है कि पापा जा चुके हैं मुंबई। अब सुबह भी आए थे मिलने? यस सर। अच्छा, आज भाई आ जाओ बैठो। ये मेरी वाइफ साक्षी, ये अमृतसर से ही है, आसपास ही है कॉलोनी कोई, वहाँ रहते हैं। सुबह आए थे ना टीटू भाई जी? अच्छा, सुबह मिले हैं। हाँ, बता रहे थे, कहते सुबह आए थे। हाँ ठीक है। मैं आपसे मैम फोटो नहीं दिया, अब तो मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ लाइफ में। बैठो प्लीज, पानी पियो। साक्षी, अभी उन्होंने डिमांड की थी फोटो मेरे साथ होगी इनकी, पर ये कह रहे हैं कि मुझे फोटोग्राफ चाहिए। मेरे को आपको पता है फोटो चलो करवाते हैं, ऑटोग्राफ मेरे से बचपन में किसी लड़की ने लिया था जब मैं छोटा था, तो मुझे अपना नाम भी प्रॉपर लिखना नहीं आता था, अब नाम सीखा, अब प्रॉपर ऑटोग्राफ देंगे। फर्स्ट ऑफिशियल ऑटोग्राफ है ना आपका। ठीक है। और आपको बताऊं, ये पेन भी मेरा है और कॉपी भी मेरी है। क्या नाम? जतिन का। जतिन मैंने लिखा है विद लव जतिन भाई, विद लव सीखा था मैंने पापा से, क्योंकि वो ऑटोग्राफ देते थे ना, तो मैंने वहां से कॉपी कर लिया था पापा को। क्या लिखते थे पापा? विद लव, आगे जिसका नाम हो। पूरा कॉपी नहीं किया आपने? हाँ, पूरा कॉपी नहीं किया। 100 रुपया। ऐसे तो आपके तो ऐसे जैसे दवाई की प्रिस्क्रिप्शन दी है आपने है ना, मेडिसिन की कोई। बहुत अच्छा लगा मिलके। अब हम मिलेंगे आपको एक हफ्ते के पहले पहले मिलेंगे, आप मुझे मैसेज करना। ठीक है सर, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है सर। वो पीएम पीओ? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हां, फोटो मुझे। हां, लव यू। A few moments later. अभी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। मम्मा ने डाला हुआ था इयररिंग, ये पेंडेंट के साथ वाला, दोनों कानों में था। सुबह अचानक से मम्मा ने नोट किया कि ए, मेरे कान में तो इयररिंग ही नहीं है। तो अभी फिर हमें समझ नहीं आ रही, हम ढूंढे कहाँ, बहुत सारी जगह ढूंढ लिया। डंडे छोटे करवाए थे ना मैंने। हाँ, तो वो ना लूज हो गया, तो मम्मा को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गिर गया। हमने ढूंढा काफी ज्यादा, बेड पे, इधर बेडरूम में भी, उधर ड्राइंग रूम में भी, यहाँ किचन में, कोई जगह नहीं छोड़ी, बाहर तक देख लिया सब गली में भी, नहीं मिला। अब हम कैमरे में फुटेज चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे मम्मा ने
डाला हुआ है इयररिंग, वहां हम नहीं देखे। उसके बाद मम्मा कहाँ गए कि फिर हम, हमें होगा कि अगर रूम में गए हैं तो फिर रूम में कहीं गिरा होगा, बाहर आने के अगर टाइम नहीं हुआ तो। तो अभी हम बहुत ज़्यादा खुद ही इसमें ना देखना ढूंढना बड़ा मुश्किल है वैसे। अगर मम्मा किसी को कोई और चीज़ पूरी गहराई से ढूंढनी हो तो बंदा तो पागल ही हो रहा है ना। मैं तो पागल हो गई थी, सोफा देखा, पलंग देखा, घर पे गिरा तो मिल ही जाएगा चाहे कुछ दिन बाद मिले। पता नहीं कहाँ रिड़ गया, रिड़ गया पहिए लग गए उसको, वजन था ना उसका, आगे कुछ चला गया। आज मम्मी की उसमें ना टेंशन में पूरे पंजाबी के वर्ड निकल रहे हैं, पुंजे गिरा है, पता नहीं किधर रिड़ गया है। अच्छे लगते हैं मम्मा पंजाबी बोला करो। चेहरा भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है टेंशन, मुझे खुद लग रहा है सच में, पतले लग रहे हो। मिल गया तो फिर हो जाऊंगी थोड़ा सा। पर मम्मा फिर ऐसे आप टेंशन ना लो, कोई बात नहीं। पापा ने तो बोल दिया टेंशन लो, पापा ने बोल दिया टेंशन लो, मेरे जो दिमाग ना वो टेंशन तो बिना ही हो रहा। टेंशन क्यों लेनी है, अगर गुम हो गई है चीज मिलनी होगी, मिल जाएगी, आपको टेंशन लेके क्या। यहाँ तो ओके नहीं नहीं मिलती, नहीं मिल जाएगी फिर क्या हो गया। आप मुझे पता है अगर चीज कोई हो ना पुरान मतलब आर्टिफिशियल भी हो उसकी टेंशन हो जाती है, तो ये तो फिर अभी यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक हो रही हैं यार। सब कितना प्यार करते हैं ना वैसे, है ना, कि स्पेशल आते हैं घर पे आप लोग, मतलब इतना ज़्यादा करते हो। आपके मैसेजेस भी आते हैं, डीएम्स भी आते हैं कि अमृतसर में आए हैं आप तो हम मिलना चाहते हैं। कुछ लोग अमृतसर से होते हैं, कुछ बोलते हैं स्पेशल आना चाहते हैं। तो जब भी आप अगर ऐसा सोचो कि आपने स्पेशल आना है तो प्लीज़ एक बार ये चेक कर लेना हम यहाँ पे हों। ये ना हो कि आप स्पेशल आए हो और हम मिले ना आपको, फिर हमें भी फील होगा ये चीज़ कि आप स्पेशल हमारे लिए आए हो और कोई मिला नहीं। तो एक बार आपसे अगर कांटेक्ट हो जाए हमारा तो फिर उसके बाद आप जब मर्जी आओ। तो वैसे आज जो माहौल बना हुआ ना, आज मम्मा का एक गाना बोलना बनता है। क्या सोचो, कौन सा, कौन सा सोचो, तीन गिनता सुबह से लेके क्या बात हो गई। कांटा लग तो ऑब्वियसली कांटा लगा कंधे, क्या गाना सुना, झुमका गिरा रे दिलों के मकान में, नहीं 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 घर पे ही गिरा, घर पे ही है। हाँ, वो तो पूरा चेक कर लिया हमने, घर पे ही है। सुबह गिरा जब पापा गए हैं ना यहाँ से, तब मम्मा के कान में था इयररिंग। अब साथ में ढूंढने लग गए। हाँ, तो उसके बाद जब मम्मा अंदर आए ना तो तब भी मम्मा के कान में ही था, फिर मम्मा सो गए थे थोड़ी देर, उसके बाद का नहीं पता। अभी तो मम्मा ने बनवाया था, अभी तो मम्मा ने इसका शौक भी नहीं उतारा, अभी मैं डाला, अभी डाला ही था। मुझे कल परसों दिखा रहे थे, कहते साक्षी मैंने ना ये वाला ना अभी डाल लिया, चेंज करके पूरा सेट डाल लिया, मम्मा का सेट खराब हो गया। ओहो, वो वैसे ही बोला मैंने, दिमाग में उधर चला गया। उस सुबह जो वीडियो बनाई पापा के साथ, आप मेरी बात नहीं सुनते मुझे लगता है। अच्छा, आप मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हो। उसमें है, पापा ने देख ली वीडियो, उसमें है। और उसके बाद जब मम्मा अंदर आए ना, यहाँ से अंदर आए छोड़ के बाहर, तो यहाँ पे खड़े हुए थे तब भी कान में है। हाँ, वो तो पक्का ही है। मम्मा तो गली में भी ढूंढ आए जाके। मनी, मम्मा पंजाबी के वर्ड आज बोल रहे बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब कह रहे थ्रू के देख ले, थ्रू के पहले बोल रहे थे कि रिड़ के होगा, फिर कह रहे पता नहीं किधर कुछ और बोले थे, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड बोल रहे आज, मजा आ रहा है। हूं आप सिर्फ फुटेज देख रहे सी। हाँ जी, पर्स फुटेज देख रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, पहले मुझे ये बताओ शिखा कहाँ पे है। शॉपिंग करने गई, उसको मिल गया झुमका शायद मम्मी का, और सारे पैसे उड़ाने चली गई शॉपिंग में। ध्यान रखो सांपरा निकल आए, कहीं छुपा ही होता है। चलो फिर हम देखते हैं, फिर जब हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि इयररिंग मिल गया तो फिर आपको दिखाएंगे और हम करेंगे पार्टी। तो एक सेकेंड शांत हो जाओ, चुप। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है मम्मा का टोपस गिरा था, टीटू भाई ने आते ये बोला है, कहते आप इनाम कितना रखा सबसे पहले तो वो बताओ। तब हमें लगा कुछ कर, तो मैंने बोला टीटू भाई इनाम तो ऐसे पूछ रहे हैं, और मम्मा मेरी ने इनाम क्या दिया बताना, टीटू भाई क्या बोल रहे थे इनाम में, चाय का सा समोसे। समोसे टीटू भाई ने बदल दिया कि अभी इनको और दुखी करेंगे। तो टीटू भाई ने अभी हमें बताया, अभी भी वो बात क्लियर नहीं हुई
टीटू भाई कहते मैं सुबह निकला था, कोई चीज मेरे पैर के नीचे आई थी, मैंने संभाल के रखी हुई है अंदर, तो वो देख लो क्या वही चीज है। तो अभी वो हम देखने लगे हैं, पर ये सब खुश हो गए, मैंने इनको बोला खुश ना हो क्योंकि हो सकता है वो कुछ और ही हो। आ जाओ चलो यार गई लभ गए चीज गुम हो गई है, साक्षी बहुत परेशान है इस वक्त, साक्षी रो रही है उधर, मैं गया कि राती दवांगी सरप्राइज, उसका बंदा है पागल हो जाए पक्का ही है। थैंक यू हाय भैया, डंडी दी नहीं है ये, डंडी दी कोई गल नहीं है कि बूट दे विच नहीं कुब्बा गए दे। हां पर चलो पता क्या हुआ, ये फिर कब गिरा, जब सुबह ना टीटू भाजी और हम लोग कुलचा खाने गए थे, जब वापिस आए ना तो टीटू भाजी ने लगा दी कुंडी, उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे, बेल हुई तो मम्मा बाहर आ गए, तो मैं इतनी देर में पतीला लेने चली गई, मम्मी को मैंने बोला कुंडी लगी हुई है, कुंडी खोल आओ दूध वाला आया है, तो उसी टाइम आपके गिर गया टॉपर सुबह। फिर दूध वाले भैया जब अंदर आए है ना, तो वो उनके पैर के नीचे, मैंने आपको बोला था, मैंने कहा कहते मैं उतनी देर बाहर जाती हूँ कुंडी लगी हुई शायद, मैंने कहा हाँ लगी हुई है, तो फिर उस टाइम गिरा मैं कहने शुक्र है मम्मी मिल गया जी, थैंक यू टीटू भाजी, वेलकम। पर मुझे समझ नहीं आ रही टीटू भाजी को थैंक यू बोलना चाहिए कि गुस्सा करना चाहिए, तो ही देख लो मिलनी थी, पर चलो इससे ना थोड़ी नसीबते भी मिलती है हमें, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी टॉपिक लूज हो तो उसको पहले ठीक कराओ।